हेलो एवरीवन, जय स्वामीनारायण टू ऑल। माय सेल्फ प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स वी डिस्कस ऑन सब्जेक्ट एंड सिलेबस। सो बेसिकली बी फिफ्थ सेमेस्टर जीटीओ में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करके नया सब्जेक्ट इंक्लूड किया है, जिसका सिलेबस में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के साथ साथ हाईवे ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट और हार्बर ट्रांसपोर्ट को भी इंक्लूड किया है। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट, हमको पता है ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको ट्रांसपोर्ट क्या है और ट्रांसपोर्टेशन क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो व्हाट इज द मीन बाय ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट इज द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसी भी जगह पे हम स्टार्टिंग टू एंड ओरिजिन टू डेस्टिनेशन जो मूवमेंट है, हमारी जो मोबिलिटी है, हम उसको सिंपली और बेसिकली ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। हमारा मूवमेंट हो या गुड्स का मूवमेंट हो या मटेरियल का मूवमेंट हो, जो हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। दूसरी चीज है, व्हाट इज द मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सो द ट्रांसपोर्टेशन इज अ फिनोमिना फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये जो फिनोमिना है ट्रांसपोर्ट का, कि जो हम मूविंग कर रहे हैं मटेरियल को या गुड्स को या पैसेंजर को वन एक जगह से दूसरी जगह को, तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वो हम थ्रू इमेज देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम सबको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब वन टाइप ऑफ मोबिलिटी, बट ये मोबिलिटी कहाँ पे है? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या, किसे बोल सकते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? तो इन द वेरियस ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड मोड्स कैन बी क्लासिफाइड बिलो। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम मोड्स को क्लासिफाई करने चाहे तो कौन से मोड्स थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, एयर ट्रांसपोर्टेशन है, पाइपलाइंस, केबल्स में एंड कन्वेयर सिस्टम। सो लैंड ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या है कि हम रोड पे या रेलवे पे जो मूवमेंट हो रहा है ऑन द लैंड, लैंड पे जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। बेसिकली हाईवे या रोड आपको लैंड पे उसका कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, रेलवे का जो रेलवे ट्रैक होता है वो ऑन लैंड होता है, तो ये सब चीज़ों को हम लैंड ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन पोर्टर्स जो हैंड कार्ट है वो सब, और दूसरा एनिमल ट्रांसपोर्ट जैसे बुलॉक कार्ट और कैमल कार्ट इंक्लूड होता है। दूसरा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है कि थ्रू वाटर हम ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट या मोबिलिटी पॉसिबल कर सकते हैं, तो उसको हम वाटर ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। सो सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रिवर है, कैनल है, लेक है, ओशन है, उन सब थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑन रिवर वो सब वाटर ट्रांसपोर्ट है। थर्ड जो मोड है, मेजर इम्पोर्टेंट मोड है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट क्या है कि हमने देखा है कि पैसेंजर एरोप्लेन का तो हमको पता है, तो पैसेंजर एरोप्लेन, कार्गो प्लेन, फ्लाइट फाइटिंग प्लेन या हेलीकॉप्टर, ये सब ऑन एयर मूवमेंट होता है इन सब चीज़ों का, और उसका बेसिक पर्पज होता है पैसेंजर के ट्रांसपोर्ट के लिए, कार्गो या गुड्स और मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए। नेशनल डिफेंस में फाइटिंग प्लेन है, एयरफोर्स में फाइटिंग प्लेन का यूज होता है, और हेलीकॉप्टर्स, बेसिकली हेलीकॉप्टर्स को हम यूज कर सकते हैं नेचुरल डिजास्टर के टाइम, नेशनल डिफेंस के टाइम और अदर स्टेट टू स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके बाद का मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है पाइपलाइन। पाइपलाइन बेसिकली ऑयल है या कोई भी लिक्विड है, उसको हम एक जगह से, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री तक, एक जगह से दूसरे जगह तक हम मूवमेंट करा रहे, तो वो भी वन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ। उसके बाद है केबल्स है। केबल्स में हम देख रहे हैं कि जो हिली रीजन है या माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे
रोप वे हम देखते हैं तो वो वन टाइप ऑफ केबल वे है, तो वहाँ पे हम रोप वे थ्रू मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है कन्वेयर सिस्टम। तो कन्वेयर सिस्टम बेसिकली क्या है कि कोई भी इंडस्ट्रीज है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कन्वेयर सिस्टम अप्लाइड होता है। कन्वेयर सिस्टम थ्रू हम गुड्स को मूवमेंट कर सकते हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस या वन पॉइंट टू अदर। ठीक है, तो ये थे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो फ्रेंड, यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स के साथ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को मैंने दिखाया है, तो इसकी वजह से आपको समझने में आसानी रहेगी। फर्स्ट इमेज जो आप देख रहे हैं वो रोड ट्रांसपोर्ट की देख रहे हैं, जहाँ पे हाईवे दिखाया गया है। दूसरी इमेज है वो रेल ट्रैक पे रेलवे मूवमेंट देख रहा है। एरोप्लेन है, शिप है या वेसल्स है जो हार्बर में हार्बर प्लानिंग या वाटर या ओशन या लेक पे मूवमेंट होता है कार्गो का। उसके बाद है पाइपलाइन और उसके बाद है केबल्स पे या रोप पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया। ठीक है, बट इन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस क्या है? तो मेन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एक चीज़ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, कस्टमर के लिए गुड्स प्रोवाइड करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। ठीक है, तो हम स्टेप टू स्टेप समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। सो पहला पॉइंट है मेक अवेलेबल रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट क्या करता है कि मेक इट पॉसिबल टू कैरी रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लेस वेयर दे आर अवेलेबल टू प्लेस वेयर दे कैन बी प्रोसेस्ड एंड असेंबल इनटू फिनिश्ड गुड। बेसिकली जहाँ पे असेंबल होता है और जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, ये जो मूवमेंट करना पड़ता है, जो फिनिश गुड्स होता है उसका मूवमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए ये रॉ मटेरियल के लिए कंपलसरी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। थ्रू लैंड ट्रांसपोर्ट हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे या एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मेक अवेलेबल गुड्स टू कस्टमर। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट मेक पॉसिबल मूवमेंट ऑफ गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद ग्रेट स्पीड। दस कस्टमर या कंज्यूमर स्प्रीड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हैव द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स प्रोड्यूस एट अ डिस्टेंस। उसके बाद पॉइंट है हमारा इनहेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बेसिकली क्या होगा कि इजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, लास्ट केस पे बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बढ़ेगा, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, उसमें इनहेंसमेंट होगा। तो इट गिव्स कंज्यूमर द चॉइस टू मेक यूज ऑफ डिफरेंट क्वान्टिटी ऑफ गुड एट डिफरेंट प्राइस। अलग अलग प्राइस में हम अलग अलग क्वान्टिटीज ऑफ गुड्स खरीद सकते हैं। ठीक है, सो इट्स रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। सो ये तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए। कुछ और पॉइंट्स भी है जो हम समझेंगे, हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल क्लाइमेटिज। तो बेसिकली ड्यूरिंग इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी या नेशनल क्राइसिस हो, वॉर हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो कोई भी कंट्रीज में, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प जो है वो इम्पोर्टेंट रहती है। तो ट्रांसपोर्ट हेल्प इन क्यूब मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड द सप्लाई नीडेड इन द ऑपरेशन। कोई भी नेशनल क्राइसिस ड्यूरेशन या वॉर के कंडीशन पे, इंटरनल डिस्टर्बेंस के कंडीशन पे हम सप्लाई भेज सकते हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट हेल्प इन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड अ मेनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल एज अ ड्राइवर, कंडक्टर, पायलट, कैबिन क्रू, कैप्टन ऑफ शिप, इट्स हु आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस। तो इन सब अलग अलग चीज़ों से हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है हेल्प इन लेबर मोबिलिटी। लेबर मोबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है, तो प्रोवाइडिंग मोबिलिटी टू वर्कर, ट्रांसपोर्ट ये प्रोवाइड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक हमारे एम्प्लॉयज और लेबर हम फॉरेन कंट्री में भेज सकते हैं, वहाँ से अलग अलग इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेबर मोबिलिटीज में भी हेल्प करता है।
transportation, then help in bringing the nation together. तो जो भी transportation facilities की हमने बात की वो national development के लिए बहुत important है, एक nation bringing के लिए important है. तो transport facility movement of people from one country to another country, या one place to another place, it helps in exchange of culture, views and practice between the people of different countries. So next हम समझते हैं system and transportation system के बारे में. So हमने जो अभी mobility, transport या transportation की बात की वो तभी possible है उसके साथ जब एक सिस्टम इन्वॉल्व हो. तो व्हाट इज द सिस्टम, सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं? सिस्टम क्या है? एक ऑर्गेनाइज मीनिंगफुल कंपोनेंट, सेटअप कंपोनेंट है जिसका कोई स्पेसिफिक गोल्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और वो इनपुट के लिए हम वर्क कर सकते हैं, तो उसको हम सिस्टम बोल सकते हैं. बट व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम किसे बोल सकते हैं? सो फिक्स फैसिलिटीज है, कोई फ्लो एंटिटीज है, कंट्रोल सिस्टम है, इन सबको कंसिस्ट करके हम टू ओवरकम जियोग्राफिकल फ्रिक्शन, एफिशिएंसी एंड पार्टिसिपेट इन सम डिजायर एक्टिविटी इन टाइमली मैनर, तो हम इसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कह सकते हैं. बेसिकली क्या है, फिक्स फैसिलिटीज की मैंने बात की कि रोड है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, या तो फ्लो एंटिटीज की बात करते हैं, व्हीकल है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, शिप है, और तीसरी चीज़ है कंट्रोल सिस्टम, ट्रैफिक सिग्नल है, रेलवे सिग्नल है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, लाइट हाउस है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके कंबाइन कंसिस्ट करके हम एक जियोग्राफिकल फ्रिक्शन एफिशिएंसी एंड पार्टिसिपेट इन डिजायर एक्टिविटी इन टाइमली मैनर हम कर सकते हैं, एक पूरा सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं. और ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंट्री डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इट डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व है या कैसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे. सो दूसरी चीज़ है अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन पे अफेक्ट करता है. व्हाट इज अर्बनाइजेशन और अर्बन एरिया क्या है? सो अर्बनाइजेशन वन टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स है. ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स की सब बोलेंगे हम कि बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स है कि जो रूरल एरिया है, जो वहाँ पे ट्रेडिशनल एक्टिविटीज है, वो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज को माइग्रेट करके हम मॉडर्न एक्टिविटीज पे आते हैं. तो बेसिकली रूरल एरिया में से हम अर्बन एरिया में कब आते हैं, जो माइग्रेशन कब होता है, तो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए या एजुकेशन एक्टिविटीज के लिए माइग्रेशन होता है. सो जो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि रूरल एरिया में से अर्बन एरिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन सब चीज़ों के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए, तो उसकी वजह से अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, और ये जो अर्बन ग्रोथ हो रहा है उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, द डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरियाज हम इंक्लूड करें तो बेसिकली क्या है अर्बन एरियाज में, क्या क्या हो सकता है? तो फर्स्ट, ऑल प्लेस विथ म्यूनिसिपालिटीज, कॉरपोरेशन, कंटेनमेंट बोर्ड एंड नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी एंड ऑल अदर प्लेस विच इज सेटिस्फाई कुछ क्राइटेरिया है हमारा कि मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 होनी चाहिए, 75% मेल एंड वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज होनी चाहिए नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, तो ये सब चीज़ें हम अर्बन एरिया में डिफाइन कर सकते हैं. दूसरी चीज़ें अर्बनाइजेशन साइकिल समझते हैं. अर्बनाइजेशन साइकिल क्या है कि कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है. हमने देखा कि माइग्रेशन हो रहा है बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए अर्बन एरियाज में, तो वहाँ पे अर्बन एरियाज में क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा. इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ होगा, पॉपुलेशन में ग्रोथ होगा, अर्बन सिटीज में नंबर ऑफ व्हीकल्स में ग्रोथ होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल हम देखेंगे, एरियाज ऑफ द सिटीज का एरिया बढ़ेगा,
ठीक है, और बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में ग्रोथ होगा, तो उसके साथ साथ अर्बन हाउसिंग बढ़ेंगे, अर्बन हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। ह्यूमन एक्टिविटी के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है और ग्रोथ इन पॉपुलेशन के लिए अर्बन हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। तो ये दो चीज़ों पैरेलली बढ़नी स्टार्ट होगी, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी, तब उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो कंटिन्यू साइकिल में चलेगा, तो उसको हम अर्बनाइजेशन साइकिल बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और कुछ रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे दिखाऊंगा, जिसकी वजह से आपको अर्बनाइजेशन समझने में आसानी मिलेगी। सो अर्बनाइजेशन क्या है कि बेसिकली 1900 से 2050 तक का हमने यहाँ पे देखा कि 2 out of every 10 पीपल लिव्ड इन अर्बन एरियाज। जब 2050 तक 7 out of every 10 पीपल विल बी लिव इन अर्बन एरिया। ये कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखाया गया है अर्बनाइजेशन के। दूसरी चीज है अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिया अर्बनाइजेशन टू 2030, ठीक है। वहाँ तक अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या है ये सब फैक्टर्स में, और अर्बन इफेक्ट क्या रहेगा वो भी दिखाया गया है कि सिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बनाइजेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, पॉपुलेशन है, ये सब सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके थ्रू अर्बन प्लानिंग थ्रू हम ये पॉसिबल कर सकते हैं। माइग्रेशन ऑफ रूरल टू अर्बन एरियाज पुशपुल फैक्टर, जैसे मैंने आगे बताया कि अर्बनाइजेशन कैसे होता है, क्यों है। तो रूरल एरिया में से अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन हो रहा है वो माइग्रेशन जरूरी है अर्बन सिटीज के ग्रोथ के लिए। तो डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सच एज न्यू रोड, रेलवे, इन्वेंटर रिक्वायर्ड फॉर लोअर स्किल लेवल्स एंड चीप रेडीमेड गुड्स, और इन सब चीज़ों की वजह से अर्बनाइजेशन अर्बन एरियाज में माइग्रेशन होता है। तो ये सब कुछ फैक्टर यहाँ पर बताए गए हैं माइग्रेशन ऑफ रूरल टू अर्बन। सो ये सब चीज़ें हैं, अर्बन एरियाज है, अर्बनाइजेशन है, ये सब चीज़ें डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करती है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। तो उसकी वजह से हम समझ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम ट्राई किया है कि हम समझ सकें ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि जो बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, वो है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है व्हाट इज ट्रांसपोर्ट एंड एक्सप्लेन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये हम अपने वर्कशीट में इंक्लूड करेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर लिसनिंग, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।